गुजरात में जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी अभियान चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ही क्या, अमित शाह जी जिस तरह से लगे हुए हैं, जेपी नड्डा जी जिस तरह से लगे हुए हैं, माने केंद्रीय सरकार के दर्जनों मंत्री जो है वहाँ लगे हुए हैं, आश्चर्य हो रहा है साहब वहाँ कांग्रेस से कितने लोग जो है छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया। आप अभी अभी चार दिन की पार्टी है और इतना आप कैसे डरे हुए हैं भाई। आप जो है वही कॉम्युनल लाइन पर जो हर जगह आपका एक ही माने आपका तुरुप का पत्ता है हिंदू मुसलमान करना, आप आफ्ताब का मामला उठाइएगा, आप दूसरा मामला उठाइएगा और इसी के सहारे आप चुनाव जीतना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात का जो मॉडल है आपका 27 वर्षों का जो शासन है, उस शासन से आप वहाँ की जनता को संतुष्ट नहीं कर सके हैं कि दोबारा आप फिर अगली बार आप सरकार बनाने के लिए आपको मौका दें। आपका विश्वास जो है हिला हुआ है, यही साबित करता है। विहिप ने, विश्व हिंदू परिषद ने श्रद्धा वाकर की हत्या जो आफ्ताब ने की थी उसको लव जिहाद का स्पष्ट मामला बताते हुए कहा है कि भारत में कानून जिहाद को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लव जिहाद विरोधी कानून की मांग की है। वही, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। देखिए केरल में जहां तक हमारा स्मरण है, इसमें जांच कराई गई थी कि भाई ये जो बार बार लव जिहाद का मामला उठता है, इफेक्ट क्या है, और पता लगा कि एकदम माने हल्ला के अलावा कुछ नहीं है। आप कितना जो है प्रेम विवाह जो है इस देश में हो रहा है, हिंदू मुसलमान सबका आप जोड़ करके देख लीजिए। माने ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे हैं कि हिंदू माने कोई लड़की जो है मुसलमान लड़के से शादी नहीं करती है, या मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं करती है। अब मोहब्बत जो है, लोग कहते हैं कि दिल आए जिस पर दिल आ गया, वहाँ माने धर्म का मामला या जात का मामला नहीं होता है। ऐसा बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ये लोग आंकड़ा पेश करें कि कितने माने मामला जो है लव जिहाद का है, मुसलमान लड़का नाम बदल करके या इस तरह से करता है, तो ये कार्रवाई है, अपराध है। आप अपने परिचय को छुपा करके किसी को अपने मोहब्बत में फंसाते हैं, उससे शादी करते हैं, बाद में आप भंडा फूटता है कि आप जो है हिंदू नहीं है मुसलमान है, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। इस तरह की जानकारी जहाँ भी मिलती है, इस तरह का मामला जहाँ भी उठता है, वहाँ मजबूती के साथ जो है सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ को माने उसी रंग में रंगना, हमने कहा ना कितने दिनों से सरकार आपकी चल रही है, 2014 से सरकार आपकी चल रही है, और अभी तक जो है आप वही फार्मूला, जो फार्मूला 2014 में लगाया था आपने, वही फार्मूला आज भी गवर्नेंस सही नहीं, बेरोजगारी के मामले में, गरीबी के मामले में, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसके मामले में कुछ बोलना ही नहीं है, बस यही हिंदू मुसलमान लव जिहाद, तो धर्म परिवर्तन, यही सारी बातें हो रही हैं। जो GST संग्रह है लगातार 9 महीने तक 1.40 लाख के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, और यह एक तरह से रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन GST का जो बकाया है राज्यों का, वो तो भुगतान कीजिए। इतनी जो राशि आ रही है और राज्य सरकारें चिल्ला रही हैं कि साहब GST का जो हमारा बकाया है नहीं मिल रहा है, ममता बनर्जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, बिहार में सरकार कह रही है, मैंने आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक स्थिति जो है धीरे धीरे हरी हरी होते हो की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो आप राज्यों को तो आप ये कीजिए। और एक प्रवृत्ति चली हुई है, कहा जाता है कि केंद्र ने पैसा दिया, केंद्र है क्या, मैंने केंद्र का कोई अलग जो है माने राज्यों के बाहर कोई इलाका है, हाँ दिल्ली है वहाँ केंद्र है, या केंद्र शासित राज्य है छोटे छोटे 2-3 हैं, बाकी तो सारा काम राज्यों को ही करना है विकास का, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, कानून व्यवस्था का हो, एक एक काम जो है राज्यों को ही करना है। और केंद्र सरकार जो संग्रह करता है राजस्व, वो किस लिए करता है, संवैधानिक की व्यवस्था है कि आपको एक फॉर्मूले के अंतर्गत जो है राज्यों के बीच में उसको वितरण करना है। अब उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसे बिहार में ही हम लोग देखते हैं, केंद्र ने दे दिया, अरे केंद्र के माने किसी का बपौती पैसा नहीं ना है, सार्वजनिक पैसा है, और उस पैसे के वितरण का संविधान में व्यवस्था उसके अनुसार मिल रहा है, ये कोई उपकार की बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चाहे पंजाब के चुनाव हो या जिला पंचायत के, सभी जगह मोदी जी आकर कहते हैं कि मुझे देखकर वोट दो, फिर पंचायत अध्यक्ष और MLA क्या करें, काम करेंगे,
जब मोदी जी अकेले ही श्रेय लेना चाहते हैं, उन्होंने और भी बातें बोली है, विवादास्पद बात बोली है। ये तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अभी हिमाचल में ही हम लोगों ने देखा, हिमाचल में तो सीधे इन्होंने आह्वान किया कि भाई आप हमको वोट दीजिए। जो सरकार है वहाँ इतनी बदनाम हो गई है, सरकार के खिलाफ वहाँ इतना आक्रोश है, और विशेष रूप से अभी हाल में जो घटना हुई रिजोर्ट में एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ, और उसको लेकर के लग रहा था पूरा हिमाचल जो है उबल गया है, लोग माने देखना नहीं चाहते हैं सरकार को। अब इतने एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा है, और वहाँ जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमको देख के वोट दो। माने इस तरह से लग रहा है कि जैसे माने एक माने इसको क्या कहा जाए, एक साइकोलॉजिकल मामला है कि पूरे देश में हम ही हैं, और जो नकारात्मक चीज़ भी है वो भी हम ओढ़ने के लिए तैयार हैं, हमको देख करके वोट दीजिए। ये बात ही नहीं समझ में आती है, क्या इनका साइकोलॉजी है और इसका अंत किस तरह से होगा और कैसे होगा, ये दिखाई नहीं दे रहा।